वेलकम बैक लर्नर्स, आई एम ओम प्रकाश कुमार फ्रॉम सीकेटी आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज न्यू पनवेल ऑटोनॉमस। सो इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ कंपनी, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एंड वी ऑल्सो डिस्कस वन टाइप दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अंडर दैट वी हैव लर्न स्टैचुटरी कंपनीज एंड रजिस्टर्ड कंपनीज। नाउ थर्ड वन इज चार्टर्ड कंपनीज। सो चार्टर्ड कंपनी क्या होगा? चार्टर्ड कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल चार्टर ग्रांटेड बाय द किंग और क्वीन। अब ये समझ में आया होगा, इंडिया में तो कोई किंग क्वीन है ही नहीं, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब है कि चार्टर्ड कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं। क्या है, सही बात है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये कब एग्जिस्ट करता था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। कब आया था सर? ये आया था 1600 में, जैसे आज चल रहा है 2023, वैसे ये बहुत पुराना है ना, 400 साल पुराना। तो तब चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये किसका था? जो ब्रिटिशर किंग था या क्वीन, आपने सुना रहेगा क्वीन एलिजाबेथ, उसने क्या किया था कि यहाँ पे क्या किया था, कंपनी एक फॉर्म किया था, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। बहुत खून चूसा इन लोगों ने अपना, तो अब नहीं चलता ये। सो द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल चार्टर ग्रांटेड बाय किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड। देखो इंग्लैंड आ गया, ब्रिटिशर कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से ही आए थे। आर नोन एज चार्टर्ड कंपनी। सच टाइप्स ऑफ कंपनीज डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, है ना, एज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया में कोई किंग क्वीन है ही नहीं, राइट। तो ये कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें आएंगे तीन। फर्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनीज, देन पब्लिक कंपनीज एंड वन पर्सन कंपनी। अब देखो वन पर्सन कंपनी क्या होगा, ये अभी अभी आया था कॉन्सेप्ट। ये कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 अंडर सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है इंडिविजुअली तो आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, उसको बोलेंगे हम लोग वन पर्सन कंपनी। ओके, तो सर दो लोगों को करना होगा तो दो लोगों को करना होगा तो कौन सा रहेगा? प्राइवेट कंपनी। या मैक्सिमम कितना लिमिट है प्राइवेट का? 200। तो प्राइवेट कंपनीज आर ओन एंड मैनेज बाय प्राइवेट प्लेयर्स। कोई भी मान लो अगर सिंगल पर्सन को कंपनी स्टार्ट करना है उसको बोलेंगे वन पर्सन कंपनी। दो लोगों को, तीन लोगों को, चार लोगों को मिलके करना रहेगा उसको बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। मैक्सिमम लिमिट कितना? 200 का मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पे। सो प्राइवेट कंपनी में क्या होगा? प्राइवेट कंपनीज आर ओन एंड मैनेज बाय प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विथ मिनिमम कितना? 2 एंड मैक्सिमम इज 200 मेंबर्स। जॉइंट होल्डर्स हैव टू बी काउंटेड एज वन मेंबर। मान लो कोई मतलब चार पर्सन थे, 1 2 3 4, और इनको देना था कितना? 30 लाख रुपीज। अब मान लो इसने 10 लाख दिया, इसने 10 लाख दिया, इन दोनों ने मिलकर 10 लाख दिया, तो टोटल कितना काउंट होगा ये? 1 2 3। इसको बोलते हैं जॉइंट होल्डर, मीन्स ये दोनों ने अगर मिलकर पैसे भरे तो उसको बोलेंगे जॉइंट होल्डर, हैव टू बी काउंटेड एज वन मेंबर ओनली। देन द प्राइवेट कंपनीज मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। सो पब्लिक कंपनी में कितना होना चाहिए सर? पब्लिक कंपनी में होना चाहिए कितना? 3 डायरेक्टर्स, एक बढ़ जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया प्राइवेट कंपनी, जो मैनेज या ओन करेगा कौन? प्राइवेट प्लेयर्स। मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर, जॉइंट होल्डर को एक काउंट किया जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी हैज सोल्ड अ पोर्शन ऑफ इट सेल्फ टू द पब्लिक वाया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई कंपनी मान लो IPO इशू करता है तो उसको परचेस कौन करेगा? पब्लिक करेगी। तो पब्लिक करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी हैज टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। इसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा बिफोर इशू ऑफ सिक्योरिटी। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? ये रहेगा एक बुकलेट, इसमें पूरा डेटा रहेगा कि कौन से शेयर्स इशू कर रहे हैं, है ना, कितने का शेयर था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे डिटेल्स रहेंगे। पब्लिक कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विथ मिनिमम कितना चाहिए? 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। देखो वन पर्सन कंपनी में क्या था? ओनली 1 पर्सन था। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। इसमें रहेगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या रहेगा? इसमें रहेगा इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, द शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर विच दे हैव परचेज। मान लो कि एक बंदा था, उसने 100 शेयर्स परचेस किए, एक शेयर था कितने का? 10 रुपये का, बट उसने पे कितना किया था? 8 रुपये पे किए थे, 2 रुपये पे करने बाकी थे,
तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स व्हाट, कि जितना पे करना बाकी था एक शेयर के पीछे कितना देना था, 2 रुपीज पर शेयर, और कितने शेयर लिए थे 100, तो ये कितना पे करेगा फिर, टोटल 200, इसको बोलते हैं हम लोग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सो दिस इज यूज वेयर कंपनीज आर फॉर्म्ड फॉर नॉन कमर्शियल पर्पजेस, यहाँ पे कोई प्रॉफिट कमाना मेन एम नहीं होता, सच आज क्या क्या हो गया, क्लब्स हो गए आपके, चैरिटीज हो गए, द मेंबर्स गारंटी द पेमेंट ऑफ सर्टन यूजुअली नॉमिनल अमाउंट इफ द कंपनी गोज इन टू इंसॉल्वेंट लिक्विडेशन, अगर मान लो कंपनी बंद हो गया या बंद होने के कगार में आ गया या कंपनी लॉस में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना उन्होंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया रहेगा कि हम इतना इतना पे करेंगे, तो एट द एंड कितना पे करेंगे, जितना प्रॉमिस किया रहेगा उतना पे कर देंगे। अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे बी विथ और विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल, हो सकता है इनका शेयर कैपिटल हो सकता है शेयर कैपिटल ना हो। देन कंपनीज विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, सो इन दिस कंपनी ओनर्स हैज टू यूज देयर ओन पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ द डेट इफ कंपनीज इंटरनल फंड विल बी लेसर देन द डेट अमाउंट। सपोज करो इनका लोन का अमाउंट था कितना, 50 करोड़ था, बट कंपनी बेच बाज के कितना रिकवर हुआ, 30 करोड़ का, या कंपनी लॉस में चल रहा होगा तो कंपनी खुद को सेल कर देगा, तो 30 करोड़ इनको रिकवर हो गया, बट लोन कितना था, 50 करोड़, तो पे कितना कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 30 करोड़, बचे कितने, 20 करोड़। अगर ये लिमिटेड कंपनी होता तो इसको ये 20 करोड़ पे करने की ज़रूरत नहीं थी, बट ये अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड मीन्स वॉट, ये जो 20 करोड़ था, जो भी कंपनी के ओनर्स होंगे उनको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, और ये 20 करोड़ कैसे भी पे करने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड मीन्स वॉट, जिसका कोई लिमिट नहीं है। सो इसके अंडर तीन थे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। देन नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, यहाँ पे नॉर्मल सा लिस्टिंग, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, जो कंपनी लिस्ट होगा कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में, उसको बोलेंगे लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी लिस्ट नहीं होगा उसको बोलेंगे हम लोग अनलिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनीज। देन अदर टाइप में आएंगे, फर्स्ट फॉरेन कंपनी हो गया, फॉरेन कंपनी मीन्स वॉट, जो बना तो था दूसरे देश में बट उसका ब्रांच अपने देश में भी ऑपरेट कर रहा है, जैसे कोका कोला, कोका कोला के इंडिया का कंपनी है क्या, नहीं, बट इंडिया में तो सेल होता है ना, मीन्स ये कौन सा कंपनी है, फॉरेन कंपनी। देन अपना ये हो गया कौन सा, वोडाफोन, वोडाफोन इंडिया का है क्या, नहीं सर, वोडापाव इंडिया का है ना, वोडापाव इंडिया का है, वोडाफोन तो दूसरे कंट्री का है, बट वोडाफोन इधर ऑपरेट होता है, ऑपरेट होता है मीन्स वॉट, ये भी फॉरेन कंपनी है। आइडिया, आइडिया सर इंडिया का है क्या, नहीं, आइडिया भी किधर का है, बाहर का, तो ये भी कौन सा है, फॉरेन कंपनी। अपना जियो, सो जियो तो इंडियन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी नहीं है, है ना, तो फॉरेन कंपनी मीन्स वॉट, फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बना तो बाहर था बट ऑपरेट इट्स बिजनेस इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हो सकता है डायरेक्ट ये लोग ब्रांच खोल के बैठ जाए, या हो सकता है कोई एजेंट के थ्रू बिजनेस करे अपने इंडिया में, बट था तो कौन सा, फॉरेन कंपनी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, फॉरेन कंपनी। देन आएगा कौन सा, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी कौन सा, किसी भी कंपनी का स्टेक टोटल कैपिटल अगर 51% या उससे ज़्यादा, कौन लेगा सर, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके शेयर्स ले ले, कितना परसेंट, 51% या उससे ज़्यादा, या मीन्स वॉट, और स्टेट गवर्नमेंट ले ले, या मान लो इन दोनों ने मिलके 51% शेयर्स ले लिए किसी कंपनी के, तो वो होगा कौन सा, गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच 51% और मोर ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले या स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों मिलके ले ले, इसको बोलेंगे हम लोग गवर्नमेंट कंपनीज। द नेक्स्ट वन इज होल्डिंग कंपनी, अब होल्डिंग कंपनी मीन्स और, जैसे मान लो ये दो कंपनी था, है ना, जैसे मान लो ये बड़ा कंपनी था, इस बड़े कंपनी ने क्या किया, इसके शेयर्स ले लिए, कितने शेयर्स लिए सर, 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स ले लिए, तो इस कंपनी को बोलेंगे हम लोग होल्डिंग कंपनी। तो ये कौन सा कंपनी होगा, ये होगा कौन सा, सब्सिडियरी कंपनीज। सो व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनीज आर दोज कंपनीज हु होल्ड्स, होल्ड्स मतलब उसने ले लिया, क्या ले लिया, मोर देन 50% ऑफ स्टेक ऑफ अदर कंपनीज, और हु कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनीज, या तो 51% या ज़्यादा वो शेयर्स ले ले, या इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे ये कंपनी इन डायरेक्टर को ही खरीद ले, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर्स को, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो कंपनी परचेस करेगा उसको बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, जो कंपनी खुद को बेचेगा उसको बोलेंगे हम लोग
सब्सिडरी कंपनी, बट फुल्ली नहीं बेचेगा, पार्टली बेचेगा, है ना, पूरा नहीं बेचेगा, या तो 50% या उससे ज्यादा। देन आता है सब्सिडरी कंपनी, ये यही था जिसने खुद को बेचा था। सो अ कंपनी हुज मोर देन 50% स्टेक इज होल्ड और हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंट्रोल बाय अदर कंपनी, अदर कंपनी कौन सा था, ये वाला कंपनी था, इज कॉल्ड अ सब्सिडरी कंपनी। फिर आता है कौन सा, नॉन प्रॉफिट कंपनी। देखो इसके नाम से ये नॉन प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट नहीं कमाएगा वो लोगों के भलाई के लिए ओपन होता है, फॉर्म होता है। तो सच कंपनीज मेन एम इज यूटिलाइज इट्स इनकम टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स रादर देन अर्निंग प्रॉफिट, लाइक वर्ड लाइक कमर्शियल कंपनी, है ना, कमर्शियल कंपनी जैसे इनका एम नहीं होता। सच कंपनीज फॉर्म फॉर स्पेशल पर्पज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ओके सो यहाँ पे खत्म हो गया अपना ये, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।